हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी पापा सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हेल्दी होंगे, अपने परिवार का ख्याल रखते होंगे। तो मुझे तो समर भाई के घर में समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, ये कैसी महफिल कैसी बैठक जम रही है। जब हम किसी से शादी की बात करते हैं, रिश्ता तय होता है, तब हम सब कुछ देख के सोच समझ के फिर हम उसके लिए अग्री होते हैं और फिर सगाई होती है और फिर शादी का स्टेप लिया जाता है। तो यहाँ तो एक लड़के से रोका हो गया, फिर दूसरा लड़का देखा गया तो दूसरे लड़के से सगाई हो गई, और अब शादी करने की जब बात आती है तो दोनों लड़के आके लड़ रहे हैं और फिर यहाँ पर मना किया जा रहा है कि अभी हम किसी से शादी नहीं करवाएंगे, हम सोचेंगे किससे होनी चाहिए तो फिर हम करवाएंगे। ये क्या बात हुई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग को गुनगुन की शादी करनी है या नहीं करनी है, या उसको समर भाई के घर में छोड़ दे रहे हैं। तो मुझे तो एक चीज ये पल्ले ही नहीं पा रहा है, ये कैसी तरीके की शादी है, ये शादी है कि ये खिलवाड़ हो रही है, मुझे तो यही पता नहीं चल रहा है। अभी यहाँ पे गुनगुन की शादी तय हुई है अमित से, तो अमित से ही ना होगी, तो यहाँ पे ध्रुव आके लड़ रहा है तो अमित उसके साथ लड़ रहा है, तो यहाँ पे तय किया जा रहा है कि अभी किसी से शादी नहीं किया जाएगा। तो ये तो कोई बात नहीं हुआ, और ये तो कोई समझ में नहीं आ रहा मुझे कि एक्चुअल में शादी होनी है या नहीं होनी है, कि ये लोग ऐसे लड़का देखना, सगाई करना, रोका करना, ये लोग ऐसे तमाशा सब कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो शुरू से ही बोल रही हूँ कि सेकंड लड़का जो अमित है, यही बेटर है गुनगुन के लिए, क्योंकि गुनगुन का जो नेचर है उसके हिसाब से अमित ही उसके लिए बेस्ट जाता है, क्योंकि वो ध्रुव के घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, एक जॉइंट फैमिली है और उसके लिए वो ठीक नहीं है। पर यही पता नहीं क्यों ये लोग अभी भी कुछ ऐसा नहीं कर रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है लोग क्या चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो एनीवेज देखते हैं क्या होता है आगे। अगर किसी को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।